I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching, reaching for something within you. छोटे बच्चों को अर्ली मॉर्निंग में नाश्ता कराना और उनके लंच बॉक्स प्रिपेयर पे करना हम मदर्स के लिए एक बहुत मुश्किल टास्क है क्योंकि डेली बेसिस पे समझ नहीं आ रहा होता कि हम उनको क्या ऐसा हेल्दी और एट्रैक्टिव ऑप्शन दें कि बच्चे अपना लंच बॉक्स फिनिश कर लें सो so, um, यहाँ मैंने फारिज़ की लंच बॉक्स में आज एक पिज्ज़ा का स्लाइस और मीठे में एक uh, स्वीट सैंडविच रख दिया था साथ में पानी की बॉटल और उसका बैग वेडिंग नाउ इट्स टाइम टू गो टू स्कूल और इसके बाद आज मैंने अपनी सारी सुस्ती सारी कहली दूर कर दी थी सो हाईन सलाम लाइक एवरी वन दिस इज़ मी से दई होप यू आल आर डूइंग ग्रेट वेलकम टू इन व्लॉग और इस वक्त जो है वो सुबह का वक्त है और फारिस ऐसे स्कूल गया आज मैंने सोचा कि मैं अपना जो है ना वो डे प्लान करती हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं एक तो बीमार थी और चीज़ें बहुत ऊपर नीचे हो गई थी तो अपने डे को अपने आवर्स को प्लान करना बहुत ज़रूरी हो गया था तो सबसे पहले नाश्ता और नाश्ते की चाय के साथ मैं आज अपना डे प्लान कर रही थी आई एम मेकिंग टू डू लिस्ट कि मुझे क्या कुछ करना है एक्चुअली एक तो मैं वो लिस्ट बना रही थी कि जो मुझे आ, पूरा वीक में काम करने हैं और लाइक किचन की ऑर्गेनाइजेशन हो गई अपनी डीप क्लीनिंग हो गई अपनी कपर्ट सेटिंग हो गई और भी बहुत कुछ था और साथ में वो बना रही थी कि आज मैंने जो है ना अपने डे को प्रोडक्टिव कैसे बनाना है और आ, आ, अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है अपने सारे टास्क जो है वो कैसे कम्प्लीट करने हैं और साथ में ही मैंने अपनी एक साथ में ना शॉपिंग लिस्ट भी मैंने बना ली थी कि जो जो चीज़ें रह गई हैं ना बच्चों की मेरी सलमान की और ब्राइडल की और घर की तो मैं साथ साथ वो भी नोट डाउन करती जा रही थी और जैसे जैसे मुझे याद आता जा रहा था आई वॉज़ राइटिंग डाउन और लास्ट व्लॉग पे मैंने आपसे शेयर किया था कि मैंने अपनी एडिटिंग ऐप चेंज किया और मैंने जो वीडियो अपलोड कर दी थी उसमें मैंने जो म्यूज़िक यूज़ किया था उसकी वजह से मुझे कॉपीराइट राइट क्लेम भी आ गया और आई वाज वेरी वरीड अबाउट कि यार मतलब ये क्या हो गया और मैंने वो अपनी वीडियो अपलोड की फिर उसको डिलीट किया और फिर से जो है उसको एडिट करके वो म्यूज़िक रिमूव करके तो मैंने अपलोड की लेकिन तब तक मुझे यूट्यूब की तरफ से जो है वो मेल आ गई थी कि आप जो है वो Uh, किसी का म्यूज़िक यूज़ किया है तो कॉपीराइट क्लेम आ गया था और मतलब बहुत ही मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि मेरा मोनेटाइज चैनल है और अलहमदिल्ला मेरे जो है वो डॉलर्स uh, भी मतलब रेवेन्यू भी शो होता है तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी अच्छा खैर इधर uh, कुछ चीज़ें रह गई थी जो आपसे शेयर करनी थी क्योंकि अब किचन में जो है ना मैंने सारी डीप uh, क्लीनिंग करने के बाद सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करना था ये एक बर्तन uh, स्टैंड था जो कि मैंने अपने किचन का चेंज करना था एक तो पुराना हो गया था प्लास्टिक का था उस पर स्टेन आ गए थे और वो साफ़ करने से भी बहुत अच्छा नीट नहीं लगता था साथ में कुछ ये कंटेनर थे और साथ में अपना तवा भी मैंने चेंज कर लिया था और ये नॉन स्टिक पैन है लेट्स ये कैसा जाता है और ये सोनेक्स का लिया था और अच्छी क्वालिटी की चीज़ काफ़ी देर तक चल जाती है वो कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार और चीज़ों की प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं और मैंने सोचा कि फ़्री हूँ तो मैं सबसे पहले जो है ना आ, अपनी फाउंडेशन को ट्राई आउट कर लेती हूँ कि ये किस तरह वर्क करती है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि आ, ये जो है ना ट्वेल्व आवर्स तक स्टे करती है और ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी है इसमें एस पी ट्वेंटी भी शामिल है लॉन्ग लास्टिक है और मतलब मैंने सारा इसको पढ़ लिया था बट uh, इसका प्रॉपर रिव्यू तो मैं इसको यूज़ करने के बाद लाइक like, एक फंक्शन में यूज़ करने के बाद ही बता सकती हूँ कि इसने कितना स्टे किया और इसकी कवरेज कैसी थी ये ग्रे हुई नहीं हुई ऑक्सीडाइज है या मतलब वॉट एवर तो um, बस मेरा दिल था कि मैं इसको ट्राई आउट करूँ मैंने इसको अपने फेस पर भी किया था और फेस पे ट्राई करने के बाद मुझे बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट मिले थे और बायदा प्राइमर लगा के और इसको अच्छे से सेट करके जब आप एक फंक्शन के लिए प्रिपेयर होंगे तो ये बहुत मतलब अच्छी रहेगी और एम सेटिसफाइड के मैंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की है वो जाने नहीं जाएगी एक्चुअली लास्ट व्लॉग में इकरा ने मुझे आ, कमेंट किया था कि आप इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करें तो इकरा जैसे ही मैं आ, किसी फंक्शन में इसको यूज़ करूँगी काफ़ी टाइम के लिए तो फिर मैं आपसे ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी कि आप इसको ख़रीदें या ना ख़रीदें और एक मैंने आ, ये लिया था हाईलाइटर और ये भी बहुत अच्छा था ये लिक्विड में था सो लेट सी ये कैसा वर्क करता है और फिर हम आगे थे किचन में क्योंकि किचन में गनी थी कुकिंग तो सबसे पहले मैंने आके किचन में बर्तन वॉश किए और उसके बाद जो है मैं अब आटा गूंद रही हूँ क्योंकि आटा अगर गूँ के फ्रिज में रख दिया जाए ना तो रोटी बहुत नरम और बड़ी फूली हुई बनती है अदरवाइज़ अगर आप फ़ौरन आटा गूँ के रोटी बनाएं तो बड़ी हार्ड और क्रिस्पी सी हो जाती है सो so, बर्तन धोने के बाद सबसे पहला काम मुझे लगता है कि आटा गूँ के जो है मैं फ्रिज में रख दूँ और उसके बाद जो है वो अपनी प्रॉपर लंच की प्रपरेशन करते हैं तो मैंने सोच दिया था कि आज मुझे जो है चिकन कढ़ाई बनानी है तो उसके लिए सबसे पहले लहसन अदरक को छील के मैं फ्रेशली यहाँ पर चॉप्ड कर लूँगी और साथ में मैंने हरी मिर्च भी बहुत ज़्यादा ऐड कर दी थी क्योंकि लाल मिर्च कम डालूंगी सो so, दूसरी तरफ चिकन मेरा फ्राई हो चुका है उस पर मैंने डाल दी थी नमक लाल मिर्च हल्दी और साथ में रेड चिली फ्लेक्स डाल दी थे लाइक कुटी हुई लाल मिर्च उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा जो है ना इनहेंस हो जाता है फ्लेवर और साथ में मैं अब इसमें टोमेटो कट कर रही थी इसके लिए और चिकन कढ़ाई जो है बड़ी इंस्टेंट होती है बड़ी क्विक होती है और चिकन कढ़ाई की जो है लॉट्स ऑफ रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी और जो कि बहुत जल्दी जल्दी और ईजी वाली भी बन जाती है तो जैसे ही हमने मसालों के साथ चिकन को फ्राई किया तो बस मैंने टमाटर और दही भी डाल दिया था और स्पाइसेस ऐड कर दिए थे गरम मसाला बहुत सारा डाल दिया था तो यहाँ मेरी चिकन कढ़ाई है ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी तो मैं इसमें डाल दूँगी जूलियन कटिंग में जिजर और साथ में हरी मिर्चें साथ में हरा धनिया बहुत सारा और मेरी चिकन कढ़ाई जो है रेडी हो गई थी तो मैंने चिकन कढ़ाई को दम पे रखने के बाद जो है वो साथ में रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी थी और क्योंकि मुझे बस यही होता है कि बच्चों के तंग करने से पहले मैं अपना किचन का वर्क लोड जो है ना वो कंप्लीट कर लूँ स्पेशली सुबह के टाइम जो है ना वो सारी मेरी ड्यूटीज़ होती हैं लाइक बर्तन आटा रोटी और खाना एवरी मैं देखती हूँ तो खैर किचन से फ्री होने के बाद लंच वगैरह किया बच्चों को खिलाया उनको शॉवर दिया और फिर फारिश नैप का टाइम हो जाता है फिर उसको पढ़ाना होता है लाइक इतने ज़्यादा काम होते हैं जो हम कैप्चर नहीं कर सकते हैं अपनी डेली व्लॉगिंग में कि हम क्या क्या कर रहे होते हैं लेकिन आज मैंने जो बड़े इंपॉर्टेंट काम थे ना जो मैंने एक टू डू लिस्ट बनाई थी कि आज मुझे ये वाले टास्क कंप्लीट करने हैं मैंने अपनी सारी कबर जो है वो क्लीन कर ली थी सॉर्ट आउट की हस्बैंड की कबर को सारा सॉर्ट आउट किया ऑर्गेनाइज की बच्चों की और जो बेड वाला एरिया होता है वो भी सारा मैंने सॉर्ट आउट कर दिया था और ये वाले कुछ कपड़े जो बड़ी नीट और अच्छी हालत में थे ये मैं एक बैग बना रही हूँ और ये मैं इंशाल्लाह फ़्लड रिलीफ़ के लिए जो है ना मैंने थोड़ी सी एट का अरेंज किया लाइक मैंने इसमें देखें दो पेलोज नज़र आ रहे हैं आपको बेड शीट्स हैं और बच्चों के लिए रैपिंग शीट्स नहीं और सामान के बड़े अच्छी हालत में नीट वाले सूट पड़े हुए थे चार से पाँच जो कि उनको साइज़ का इशू था तो वो पहन नहीं रहे थे और साथ मैंने ये बेबी बैग ले लिया था और इसमें मैंने बच्चों की भी कुछ चीज़ें डाल दी थी और इंशाल्लाह ये जो है ना वेरी सून जो यहाँ पे आर्मी के कैंप्स लगे हुए हैं ना उनको मैं डोनेट कर दूँगी जाकर और और मुझे यहाँ पे बहुत एम्बेसिंग फीलिंग आ रही थी कि मैं इतना लेट क्यों होगी और मैं चाहते हुए भी बहुत पहले जो है वो डोनेट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्टक हुई थी चीज़ों में शॉपिंग पे शादी थी घर में बल्कि है अभी भी तो बस अगर आप लोगों ने भी अभी तक उनको हेल्प आउट नहीं किया प्लीज़ गो अहेड एंड हेल्प दैम क्योंकि मुसीबत में अपने बहन भाइयों की मुसलमान बहन भाइयों की मदद करना हम पर फर्ज है हमारी जिम्मेदारी है मैं लेट हो गई हूँ प्लीज़ आप लेट ना होए और दिखाने का मकसद भी यही होता है कि हम कोई शो ऑफ नहीं कर रहे होते हैं अल्लाह माफ़ करे कि मैंने उनको क्या दे दिया कुछ भी नहीं दिया तो बस आप लोग भी जो है ज़रूर उनकी मदद करें जितना आपसे हो सकता है तो मैं बहुत खुश थी कि आज फाइनली मैंने उनका बैग जो है वो रेडी कर लिया उसके बाद था मेरा लेज़र अपॉइंटमेंट और मैं यहाँ आ गई थी क्लिनिक और थोड़ा सा वेट करने के बाद नाउ आई एम गोइंग इन लेज़र रूम और आज मेरी इनसे काफ़ी डिस्कशन भी हुई और इनसे जो है वो मैंने प्रॉपर क्वेश्चनिंग की और वो मुझे बता रही थी कि अब आपको लेज़र से कितना फ़ायदा हुआ है और कितने सेशन आपको लेने चाहिए और बस वो यही गाइड कर रही थी कि आप ब्लीच यूज़ नहीं करें स्किन पॉलिश और मैं कुछ भी नहीं करी लाइक like, मुझे मेरी शादी को पाँच साल हो गए हैं और इन पाँच सालों में मैंने कभी भी अपने स्किन पे ब्लीच यूज़ नहीं किया स्किन पॉलिश यूज़ नहीं किया और कोई हार्मफुल वाला फ्रेशियल नहीं करवाया और मैं जस्ट क्लेंजिंग कर लेती हूँ हल्की सी स्क्रबिंग कर लेती हूँ मास्क लगा लिया दैट्स इट नथिंग एल्स जब से मैं लेजर करा रही हूँ तो खैर लेज़र यहाँ पे मेरा डन हो गया था और उसके बाद ऑफ कोर्स हमें बहुत सारी छोटी छोटी इतनी ज़्यादा शॉपिंग वाली जो है वो काम कंप्लीट करने थे क्योंकि मैंने लिस्ट भी बनाई हुई थी और वन बाय वन मैं टिक करती जा रही थी अपने मैंने बहुत ज़्यादा काम कंप्लीट कर लिए थे और यहाँ पर हमें लेना था फ़ारिस के लिए खुदा क्योंकि शेरवानी और उसका जो आ, कुला है वो हमने पहले ले लिया था सो इस मार्केट में लोकल बहुत ज़्यादा शॉप सिंह खुसे के लिए तो हमने प्रेफर किया कि हम इस तरह की शॉप्स में जाते हैं क्योंकि दे हैव हाँ लॉट्स ऑफ वैरायटी और इनके uh, जो रेट होते हैं ना वो भी हम बार्गेन करें तो काफ़ी नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेडीज़ वैरायटी भी थी और फारिस अब तक खुदा ट्राई कर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं कुछ देख लेती हूँ और मैं ख़ुद भी ट्राई करती हूँ मैंने लेना तो नहीं था बट मुझे अट्रैक्टिव लग रहे थे बट मैं पर्सनली आई डोंट लाइक खुज और मैं पहनती नहीं क्योंकि मेरी पर्सनलिटी पर पे सूट नहीं करता मुझे सूट नहीं करता और मुझे इसलिए अच्छा भी नहीं लगता लेकिन खैर खा, जब किसी दूसरे ने पहना हो तो मुझे पहना हुआ मे भी अच्छा लगे बट मुझे ख़ुद पर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता सो so, बस आने वाले व्लॉग्स में मैं बस आपसे अपनी शॉपिंग ही शेयर करूंगी क्योंकि मैंने कंप्लीट कर ली है बस अब आपको मैं शॉपिंग हॉल की एक वीडियो दूंगी और बस यही थी मेरी आज की वीडियो और आज का वॉइस ओवर मैंने बहुत जल्दी जल्दी किया है तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें क्योंकि बहुत मुश्किल से बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के मैं वीडियोज़ अपलोड कर पा रही हूँ सो so, यही थी मेरी आज की वीडियो आई होप यू लाइक डिट और अपना रखें बहुत सारा ख्याल और मुझे कमेंट ज़रूर किया करें मैं आप सबके कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ती हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय नला